उनके चेहरे पर तेज था, आभा थी। उनको देखकर ही मेरा मन हल्का हो गया। लेकिन वो थे कौन? कहाँ मिलेंगे? क्या मैं उन्हें कभी फिर से देख पाऊंगी? कहा था ना मैंने तुम्हें, विश्वास नहीं हो रहा है कि तू ऐसा कर सकता है। साई, लगता है इस तरफ किसी के घर में झगड़ा हो रहा है। हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? गलती हो गई साहब। गलती नहीं, तुम दोनों ने अपराध किया है। हद होती है लापरवाही की। मुझे तो लगता है यह सब तूने जानबूझ के किया है। अरे ऐसी क्या कमी रखी थी मैंने जो तू अपने ही घर के व्यवसाय में घोटाला कर रहा है? नहीं दादा, मैंने कोई घोटाला नहीं किया है। पहले मेरी बात तो सुनिए, अब तो मुझे बोलने का मौका ही नहीं दे रहे हैं। क्या बोलेगा तू? तूने जो किया है उसे चोरी कहते हैं, और अब तू अपने बचाव में कुछ झूठी कहेगा, बेशरम कहेगा। मेरे विभाग में काम करते हो और रिश्वत लेने जैसी घटिया हरकत। जानते हो ना कि मैं ये कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहिब, इतनी कम तनख्वाह में गुजारा नहीं होता। नहीं होता तो काम छोड़ करके चोर डाकू बन जाओ। लेकिन मैं इस किस्म की घटिया हरकत बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता। साहिब, माफ कर दीजिए, आपको अगर नहीं पसंद तो हम दोबारा नहीं करेंगे। लेकिन ये सब तो समाज में आज आम बात है। नमक हरामी आम बात है? आहो, तुम दोनों दफ्तर में मिलो मुझे। तुम्हारे साथ क्या करना है मैं वहां फैसला करूंगा। निकलो यहां से। गुस्सा होते हैं आप? आप ही की तबीयत खराब होती है। देखिए कितने पसीने पसीने हो गए हैं आप। मुझे दफ्तर जाना है, मेरा खाना बंद हो। दिल के कितने अच्छे हैं ये। इनसे अच्छा पति तो मुझे मिल ही नहीं सकता था, लेकिन इनके गुस्से से डर लगता है। कहीं इसके चलते ये अपना ही नुकसान न कर बैठे। मैं तो कोशिश करके हार गई,
अब आप ही कुछ कीजिए। दादा, हम जो पैसा कमाते हैं सब साथ में रखते हैं, सभी को एक जैसा माना जाता है, और कोई भी सामान आता है तो सबके लिए आता है, तो चोरी करने की जरूरत क्या थी? नहीं दादा, ये सच नहीं है। झूठ बोलना बंद कर। दादा मुझे समझने की कोशिश करो, मैं कुछ झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं इंसान के कब समझ आएगा कि गुस्से में अक्सर हम दूसरे के नुकसान से ज्यादा अपना नुकसान करते हैं। अब आप ही अपनी किसी लीला से इनका गुस्सा शांत कीजिए। सगा भाई, साई, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया हो अगर वही धोखा दे तो गुस्सा कैसे नहीं आएगा? लेकिन दादा, तू तो कुछ बोली मत, तेरी आवाज से भी मुझे घिन आने लगी है। मेरी एक बात मानोगे? पहले इसे खा लो, फिर झगड़ लेना। साई, आप कह रहे हैं तो ना नहीं कहूंगा। लेकिन इससे मेरा मन नहीं बदलेगा। दादा, पिछले हफ्ते जब आप शहर गए थे उसी दौरान बहिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। तो उन्हीं के इलाज के लिए मैंने वो पैसे खर्च किए थे। क्योंकि बहिनी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी तो मेरा ध्यान उनकी सेहत पे था, बही खाता पर नहीं था। और
इसी जल्दबाजी के चक्कर में मैं पैसे का हिसाब किताब लिखना भूल गया था। जब आपने पूछा तो मुझे याद आया, पर आप मेरी सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। अगर आपको विश्वास ना हो तो वही नहीं, जब बाजार से आ जाएंगी तब आप उनसे पूछ सकते हैं। जो गुड़ का टुकड़ा तुम्हें दिया था वो असल में समझदारी का प्रतीक है। जब भी हमें गुस्सा आए तो अपनी समझदारी को भी एक छोटा मौका देना चाहिए। क्योंकि आवेश में आकर हम अक्सर गलत कदम उठा लेते हैं। कभी कभी गुस्से को पूरी तरह से उचित ठहराया जा सकता है और कभी कभी जैसे आज की तरह यह गलतफहमी का सबब हो सकता है। लेकिन गुस्सा सही हो या कोई गलतफहमी, जब तक मन को शांत करके समझदारी से काम नहीं लेंगे नुकसान हमारा ही होगा। क्योंकि क्रोध वो अग्नि है जो हमें ही जलाती है, हमारा ही नुकसान करती है। गुस्से से कभी कुछ सुलझता नहीं है, बल्कि वो हमें और कठिन परिस्थितियों में डाल देता है। गुस्सा कब अहंकार का रूप धारण कर इंसान की धमनियों में रच बस जाता है उसे पता ही नहीं चलता। अहंकार का रूप होता है क्रोध, और ये बड़े से बड़े विद्वान के पतन का कारण भी बनता है। जैसे लंकापति रावण। हम सब जानते हैं कि रावण सबसे बड़ा विद्वान और महादेव का सबसे बड़ा भक्त था, लेकिन उसने अपने गुस्से और अहम पर काबू पाना नहीं सीखा। उसने शूर्पणखा की कहानी सुनी, सिर्फ उसके ही पक्ष पे विचार किया और ये निष्कर्ष निकाला कि लंकापति रावण की बहन के साथ अन्याय हुआ है, और उसने सीता हरण का निर्णय लिया, जबकि गलती उसकी बहन शूर्पणखा की ही थी। ये उसका अहंकार ही था जिसने उसकी बुद्धि और उसका विवेक भ्रष्ट कर दिया था। रावण का क्रोध, उसका अहंकार उसके पूरे कुल के विनाश का कारण बन गया। जब गुस्सा इतने बड़े विद्वान का भी कुछ भला नहीं कर पाया तो हमारे किस काम आएगा। मुझे क्षमा कर दीजिए साई, मुझे माफ कर दो मेरे भाई। आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया साई।
राम जी भला करें। For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.